नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर .com पर और मैं हूँ पलक गुप्ता। आइए हेडलाइंस में सबसे पहले देखते हैं देश की खास खबरें। भाजपा के स्थापना दिवस पर मोदी बोले, भाजपा देश की सबसे पसंदीदा पार्टी, जनता एक और कार्यकाल का देने जा रही आशीर्वाद। देश के 8 राज्यों में लू चल रही, तापमान 43 डिग्री, एमपी में 33 जिलों में बारिश की संभावना, पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी जारी। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में मतपत्रों से छेड़छाड़ करने वाले रिटर्निंग अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट में बिना शर्त माफी मांगी। असम भाजपा को आचार संहिता के उल्लंघन के लिए कारण बताओ नोटिस। बंगाल में ईडी के बाद एनआईए टीम पर हमला, गाड़ी में तोड़फोड़, संदेश खाली में लोग लाठी डंडे लेकर अफसरों के सामने अड़े, आरोपियों को ले जाने से रोका। दिल्ली में चाइल्ड ट्रैफिकिंग केस में सीबीआई की रेड, केशवपुरम से 2 नवजात को रेस्क्यू किया। अब नजर डालते हैं राज्य की प्रमुख खबरों पर। राजस्थान में होम वोटिंग के पहले दिन 6251 बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं ने किया घर पर मतदान। भाजपा विधायक बहादुर सिंह कोहली ने महिला कार्यकर्ता को कहे अपमानजनक शब्द, 50 लाख रुपए लेकर चुनाव लड़ने का आरोप भी लगाया। प्रतापगढ़ जिले में थाना जलोदा जागीर पुलिस की कार्रवाई में 116 किलो डोडा चूरा जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार। पूर्व मंत्री अनिल विज ने कहा, कांग्रेस ने हमेशा देश को तोड़ने वाली नीतियां चलाई है, यह सारे देश को एक नहीं रख सकते। आइए अब देखते हैं बॉलीवुड जगत की खास खबरें। बड़े मियां छोटे मियां के निर्देशक ने कहा, कुछ स्टंट शूट करने में एक दिन का खर्च 3-4 करोड़ रुपए था। इटली में चल रही है कल की 2898 एडी की शूटिंग, दिशा ने फोटोज की शेयर। आइए अब नजर डालते हैं खेल जगत की खास खबरों पर। अभिषेक की आंधी में उड़ा सीएसके, हैदराबाद ने 6 विकेट से मैच जीता। आईपीएल 2024, सूर्य कुमार यादव की टीम में शामिल होने से मुंबई इंडियंस को बड़ी राहत। आइए अब देखते हैं कारोबार जगत की प्रमुख खबरें। भारत में ऑस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त ने गौतम अडानी के साथ भविष्य के सहयोग पर चर्चा की। विदेशी मुद्रा भंडार 645 अरब डॉलर के उच्चतम स्तर पर। आइए अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की खास खबरों पर। न्यूयॉर्क में एक और भारतीय छात्र की मौत। अमेरिका के पूर्वी हिस्से में 4.8 तीव्रता का आया भूकंप, नुकसान की खबर नहीं। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी खबरें विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.khaskhabar.com पर लॉगिन करें, हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें और प्ले स्टोर से हमारे ऐप खास खबर को डाउनलोड करें। नमस्कार।